हेलो एवरीवन वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास अगेन आप सभी को याद होगा प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था लेटर्स के बारे में दैट लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पिछली वीडियोस में हमने फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका जाना था कि क्या फॉर्मेट होता है जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर कि जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट फॉर्मल फॉर्मल लेटर से अलग होता है क्योंकि आप सभी को पता है इनफॉर्मल लेटर हम अपने फ्रेंड्स हम अपने रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों को किस लिखते हैं जो हमारे लव्ड वंस होते हैं तो इसीलिए इनफॉर्मल लेटर लिखने का जो फॉर्मेट uh, होता है वो फॉर्मल लेटर लिखने के फॉर्मेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है लाइक like, यहाँ पे एक लेटर मैंने लिखा है इनफॉर्मल लेटर है ये अनिता रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन अनिता जो है वो अपनी फ्रेंड को यहाँ पर लेटर लिख रही है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने एग्जामिनेशन पास कर लिया है इसीलिए अपनी फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वो ये लेटर लिख रही है तो ऑब्वियसली बात है अगर वो अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रही है दैट मीन्स ये एक इन्फॉर्मल लेटर है ओके okay? तो जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं सबसे ऊपर आपको एड्रेस नजर आ रहा होगा हाउस नंबर सेवनटीन करोल बाग न्यू डेली ये एड्रेस है बट द पॉइंट इज किसका एड्रेस है तो जब भी हम कोई इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं एड्रेस और वो एड्रेस किसका होता है सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस ठीक है मीन्स अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा ओके okay? देन उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने गैप दिया है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे जब आप एड्रेस लिख देंगे सेंडर एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस लिख देंगे तब आप यहाँ पे थोड़ा गैप देंगे मींस समझ लीजिए एक लाइन का गैप उसके बाद आपको यहाँ पे लिखनी होगी डेट रिमेम्बो कि डेट आपको वही डालनी है जिस डेट पर आप लेटर लिख रहे हैं देन डेट लिखने के बाद फिर से आपको गैप नजर आ रहा होगा क्योंकि डेट लिखने के बाद भी आपको गैप देना है वन लाइन का गैप मान के चलिए ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे ये यह हमारा क्या होता है सेल्यूटेशन जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तब हम सर डियर सर रिस्पेक्टेड सर मैम इस तरह से लिखते हैं बट क्योंकि यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रही है तो वो अपनी फ्रेंड का नाम लिखेगी डियर सीमा उसकी फ्रेंड का नाम है सीमा तो उसने लिखा है डियर सीमा ठीक है ऐसे ही अगर हम किसी रिलेटिव को लिखते हैं अंकल जैसे मैंने अंकल को लेटर लिखा है तो डियर अंकल इस तरह से हम सेल्यूटेशन देते हैं इनफॉर्मल लेटर में ठीक है अब ये हो गया मेरा सेल्यूटेशन और ये आप सभी को पता है मैंने पहले भी आपको बताया था ये क्या होता है मेरा ये होता है मेरा बॉडी ऑफ द लेटर आप सभी को अभी ऊपर मैंने हेडिंग बताई थी कि लेटर किस लिए लिख रही है अनिता और लेटर क्यों लिख रही है अपनी फ्रेंड को उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एग्जाम्स में क्योंकि उसने सक्सेस यानी कि उसने एग्जाम कि पास किया है इसीलिए तो हार्टीएस्ट क्योंकि वो लेटर लिख रही है कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए तो ये कोई फॉर्मल लेटर तो है नहीं कि मैं अपने बारे में बताऊँ या रिस्पेक्टेड करूँ कुछ इस तरह से तो वो अपनी फ्रेंड को लिख रही है इसलिए उसने स्टार्टिंग क्या किया हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द एग्जाम्स कि एग्जाम्स में जो तुमने एग्जाम्स पास किए हैं तुम सक्सेसफुल हुई हो उसके लिए दिल से तुम्हारा तुम्हें मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ योर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन है फाइनली पेड ऑफ़ तुमने जो इतना हार्डवर्क किया इतना डेडिकेशन किया इतनी मेहनत की आखिरकार वो सफल रही आई एम सो प्राउड ऑफ यू मुझे तुम पे बहुत गर्व है लेट्स गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेट योर अचीवमेंट चलो हम किसी दिन मिलते हैं और जो तुमने तुम्हारी अचीवमेंट है जो तुमने इतना आ, अच्छा एग्ज़ाम uh, पास किया इतने अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ हम चाहे तो इसके साथ और लाइंस ऐड कर लेते हैं कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को मेरा हेलो कहना कुछ इस तरह से ठीक है तो ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ द लेटर कि मुझे लेटर में उस अपनी फ्रेंड से जो जो कहना था वो मैंने कहा मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी कहा मैंने उसकी तारीफ भी की मैंने उसको ये भी कहा कि मुझे तुम पे गर्व है हम मिलते हैं और किसी दिन सेलिब्रेट करते हैं और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक भी उसे बोला ठीक है देन उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिर से गैप आया क्योंकि यहाँ पे भी आपको गैप देना है मैं ठीक है वन लाइन का गैप हम कह सकते हैं उसके बाद योर लविंग फ्रेंड रिमेंबर कि जब हम फॉर्म फॉर्मल लेटर लिख रहे थे तो हम वहां पे योर्स ट्रूली योर्स ओबीडेंटली योर्स सिंसियरली इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे थे मीन इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम यूज कर रहे थे ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो मैंने आपको पहले भी फॉर्मल लेटर में बताया था लेकिन ये एक इनफॉर्मल लेटर है इसलिए हम यहाँ पे योर लविंग फ्रेंड क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है इसलिए योर लविंग फ्रेंड या फिर हम इसकी जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं योर्स लविंगली क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर हम हमेशा अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं इसीलिए ठीक है योर्स लविंगली हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम योर sincerely अगर चाहे तो वो भी लिख सकते हैं बट क्योंकि हम इनफॉर्मल लेटर है हम अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो योर लविंग फ्रेंड या फिर योर्स लविंगली या फिर योर्स अफेक्शनेटली वर्ड हम सैल्यूटेशन uh, का यूज़ हम करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है और लास्ट में अपना नेम जो लेटर लिखने वाला है ठीक है तो ये हमारा फॉर्मेट था फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का कि इनफॉर्मल लेटर को लिखने का क्या तरीका होता है क्योंकि अगर हमें फॉर्मेट पता है तो हमें चाहे जो भी टॉपिक दे दिया जाए हम उस पर लेटर लिख सकते हैं दैट इज वाई यू हैव टू नो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर सो आई होप कि अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है किस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर